पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए लगातार डेली इंसाइडर की तरफ से एक व्यक्ति एक पेड़ मुहिम चलाई जा रही है। हम इस वक्त SMS एक कॉलेज है सुल्तानपुर रोड पे, यहाँ मौजूद हैं। दिखाते हैं आपको कि पूरी फैकल्टी है, इसके साथ ही तमाम जो छात्र हैं वो कॉलेज के यहाँ पे मौजूद हैं। डेली इंसाइडर की मुहिम में इन्होंने हमारा साथ दिया है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आजकल मौसम लगातार बना हुआ है, गर्मी अपने चरम पे है, तो वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। और इस बार पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण का संकल्प लिया था। इसी क्रम में डेली इंसाइडर लगातार एक मुहिम चला रहा है जिसका नाम है एक व्यक्ति एक पेड़, जिसमें आज SMS कॉलेज ने भी अपना समर्थन दिया है। हम बात करेंगे, प्रोफेसर भरत सिंह हैं सर, आपसे समझना चाहेंगे कि वृक्षारोपण अभियान था पूरा डेली इंसाइडर का, किस तरह सबसे पहले देखते हैं आप इस मुहिम को? मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर भरत राज सिंह और हमारे साथ हमारे मैं यहाँ पर महानिदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस 2009 से हूँ, इसे समझिए कि 13 साल से ऊपर हो गए यहाँ। और हमारे साथ में एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र जी और हमारे डीन इंजीनियरिंग डॉक्टर हेमंत जी, प्रिंसिपल डिप्लोमा हमारे अमोद पांडे जी, सभी लोग हैं। और हमारे बीच में चीफ प्रॉक्टर भी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था 2008 में यहाँ इस्टेब्लिश हुई, और जहाँ तक पर्यावरण से संबंधित है, हम ही लोग ऐसे हैं जो कि 2008 से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की लोगों में चेतना जगाई। और जगह जगह पर यहाँ जितने भी पार्क जितने भी हैं वहाँ पर हम लोगों ने 2011 से एक CV रमन सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से केवल मूल उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही उससे हमारा पर्यावरण और क्लाइमेटिक चेंज जितना हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, वो आने वाले समय में बहुत ही घातक होगा, इसके लिए क्या किया जाए। तो पहले तो पेड़ को लगाएं, जो पेड़ कट चुके हैं, जो जंगलात ख़त्म हो चुके हैं, जो इनके कारण हमारी बारिश कम हो गई, जिनके कारण तालाब और ये सब समाप्त हो गए हैं, उसका दूसरा भी कारण है कि जनसंख्या की वृद्धि। तो अब उस पर अगर हम पेड़ अभी नहीं चेतना किए, तो आज की परिस्थिति जो हम 2008 से अभी तक जो इस 13-14 साल में अनुभव कर रहे हैं, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो गया है। और विश्व प्रभावित ही नहीं हुआ, बहुत ही तरीके आप देखिए कि घातक तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, महामारी भी आ रही, 3.5 साल महामारी का रहा। तो केवल हम अपने वैदिक पीरियड में पुराणों और इन सब की अगर जिक्र करते हैं तो देखें, उसमें हमेशा था कि वृक्ष लगाना, और वृक्ष लगाने का हर परिवार में ये था कि कम से कम अपने जीवन काल में 4 पेड़ तो ज़रूर फलदार लगाइए, 4। तो ये मुहिम जो हमारे मनीष नागर जी जो डेली इंसाइडर के हैं, और पूरी टीम उनकी मैं धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम 1 पेड़ एक व्यक्ति अगर प्रतिवर्ष लगाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जीवन में ज़रूर इसको करे, ये उद्देश्य लेकर के जो चल रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद। आज हमारे इस प्रांगण में 2 पेड़ आपकी तरफ से डेली इंसाइडर की तरफ से लगाया गया, एक आम का लगाया गया और एक अमरूद का। सर एक आखिरी सवाल है सर आपसे लूँगा कि काफ़ी बड़ा कैंपस है आपका, लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस जो पूरा मैदान आपने खाली छोड़ा हुआ है सर, इसमें मैं देख रहा हूँ कि हरियाली चारों तरफ है, लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। इमारतें यहाँ पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन फिर भी हरियाली को पूरी तरह से मेंटेन रखा किया गया। प्रदेशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं डेली इंसाइडर की पूरी टीम को जो है आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि अभी DG साहब ने बताया आप लोगों को, हम लोग पर्यावरण को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाई थी, और आपको बड़ी खुशी होगी जान के वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि जितने लोगों ने उसमें जो है प्रतिभाग किया है, अभी तक उत्तर प्रदेश या देश में कोई नहीं किया है। तो हम लोग पर्यावरण पे लगातार जो है काम कर रहे हैं, उसमें लिम्का बुक का प्रकार में भी हम लोग दर्ज हैं। और जितनी भी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये सारे ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। जहाँ पर देखें कि हम लोग सोलर पैनल भी लगे हुए हैं बिल्डिंग्स पे, वहीं से सारी एनर्जी भी आ रही है। और बिल्डिंग्स के आसपास देखे होंगे, हर जगह आपको हर बिल्डिंग के पास पार्क दिख रहे होंगे,
ऐसे तो ये जितनी बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे हर जगह बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस बिल्डिंग के सामने बगल में आपने देखा होगा कि सब ग्रीनरी है, पार्क छोड़ा गया है। तो हम लोग इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो है पर्यावरण को जो है बचाया जाए, और पूरी तरीके से जो है अपने स्टूडेंट फैकल्टी में एक मुहिम है कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इन्वायरमेंट बनाए रखा जाए। इसलिए आप देखे होंगे कि सारे तरफ सारे पेड़ लगे हुए हैं, इसमें फलदार वृक्ष भी हैं और ऐसे भी वृक्ष हैं, नीम के भी पेड़ हैं, अभी हॉस्टल के पीछे भी बहुत सारे हमारे जो है पेड़ लगे हुए हैं। तो इस पे हम लोग पूरी तरीके से फोकस हैं, और यही ज़िंदगी है और इसी को बचा के रखना है। अगर आप पेड़ लगाते हैं, जैसा आप लोगों की तरफ से एक मुहिम है, तो अगर ये मुहिम सभी तक पहुंचेगा, तो एक पेड़ लगाने पर अगर सभी एक लोग पढ़ाएँ, निश्चित रूप से एक ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है कि ये आपका मुहिम सक्सेस हो। वन मैन वन ट्री, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनिशिएटिव। मैम, वृक्षारोपण को आज के समय में कैसे देखते हैं? सर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्लांटेशन हम लोग करेंगे, नॉट फॉर अस, मगर हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, वो होगा हमारी तरफ से। तो हम अपने आगे आने वाली जनरेशंस को बहुत बड़ा गिफ्ट दे करके जाएंगे अगर हम उनके लिए ट्रीज और ग्रीनरी छोड़ करके जाएंगे। तो ये SMS कॉलेज का कैंपस था। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डेली इनसाइडर की जो मुहिम है, एक व्यक्ति एक पेड़, उसका समर्थन दिया गया है। तमाम सारे यहाँ पे प्रोफेसर मौजूद थे। सर, पर्यावरण को आज के समय में कितना ज़रूरी मानते हैं? पर्यावरण संरक्षण एक मुद्दा है, लेकिन सिर्फ पर्यावरण दिवस पे देखा जाता है कि लोग वृक्षारोपण करते हैं, क्या कहेंगे? पर्यावरण संरक्षण एक हमारी आज की ज़रूरत भी बन गई है, और इस पर हम लोग बहुत सालों से काफ़ी काम कर रहे हैं। इस पर इस इनिशिएटिव के लिए हम अपने जो महानिदेशक हैं डॉक्टर भरत राज सिंह, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसके लिए वो बहुत पहले ही जागरूक करना स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है जिसका जिक्र जो है व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है US में, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनका। और उसके लिए हम लोग टेक्निकली भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते रहते हैं कि प्लांटेशन, एक तो प्लांट को लगाना, दूसरा प्लांटेशन को कट करना भी हमें जो प्रिवेंट करना होता है, तो हम लोग उसके पेपरलेस वर्क, और इस पर भी हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम पेपर को है जो रिड्यूस कर रहे हैं और उस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ज़रूरत पड़ने पर लगातार कुछ न कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने रन फॉर ग्रीन कराया था, जैसा कि AD साहब ने बताया कि ग्रीन क्विस्ट हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। इस तरीके से हम लोग बहुत ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इनिशिएटिव के लिए भी, और हम लोग भी हमेशा इसके साथ में आप लोगों के। तो डेली इनसाइडर की जो मुहिम है, एक व्यक्ति एक पेड़, उसको लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है। इस वक्त SMS कॉलेज के कैंपस में मौजूद है। हमने दिखाया कि यहाँ पे लगातार वृक्षारोपण के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे प्रोफेसर थे, जो यहाँ पे छात्र, उन्होंने बताया कि डेली इनसाइडर की जो मुहिम है काफ़ी सराहनीय है। विजय बाबूलाल के साथ हूँ, डेली इनसाइडर लखनऊ। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए Google Play Store से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।